नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की स्वादिष्ट सब्जी। ये बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे आप झटपट घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं आलू मटर की स्वादिष्ट सब्जी, जिसके लिए मैंने 6 उबले हुए आलू लिए हैं। मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, 1 टमाटर, अदरक, 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, 1 मिर्च को मैंने लंबा काट लिया, 8-10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 2 प्याज ली हैं मीडियम साइज़ के जिसे मैंने काट लिया है, और फ्रेंड मैंने 250 ग्राम मटर के दाने लिए हैं। आलू को हम इस तरह चिप्स के रूप में काट लेंगे। आलू को आप अपनी मनपसंद के पीसेज में कट कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह से हम सभी आलू कट करके तैयार कर लेंगे। देखिए सभी आलू मैंने काट लिए हैं और अब हम मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने एक कटोरी लिया जिसके अंदर 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे। 1.5 चम्मच ही हम लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी सब्जी के अंदर। 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार, और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इन मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप ये सब्जी बनाएंगे, खाएंगे तभी आपको पता चलेगा फ्रेंड ये कितनी टेस्टी सब्जी बनती है। और बहुत ही सिंपल तरीके की सब्जी है पर खाने में बहुत ही टेस्टी है। देखिए मैंने मसाला बना लिया है, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, गैस को हम ऑन कर देंगे। इसके अंदर डाल देंगे हम सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में सब्जी बना रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने 1 से 1.5 बड़ा चम्मच तेल लिया है, आप तेल कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद हम 1/2 चम्मच डाल देंगे जीरा और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे अजवाइन। कई लोगों के आलू खाने से गैस बनती है फ्रेंड, तो अजवाइन डालने से वो प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 पिंच के करीब डाल देंगे हम हींग और इन सभी को हम अच्छे से भूनने देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। सभी भुन गए हैं, अब हम इसके अंदर प्याज और लहसुन डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे फ्रेंड, अगर आपका प्याज बड़ा है तो आप एक ही प्याज यूज़ करें। और हरी मिर्च भी डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो हमने लिया था वो भी मैं इसके अंदर कद्दूकस कर दूंगी। आप अदरक को काट कर भी ले सकते हैं पर मैं अदरक को कद्दूकस करके ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है फ्रेंड वो खाते नहीं हैं, अदरक को निकाल देते हैं, इसलिए मैं अदरक को कद्दूकस कर रही हूँ ताकि ये सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और अदरक का जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छे से आए। तो अदरक को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। मैंने 1 टमाटर लिया था जिसे काट कर डाला है, आप टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। टमाटर को भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च। मैं तड़के में लाल मिर्च डालना भूल गई थी फ्रेंड, तो आप यहाँ पे भी लाल मिर्च डाल सकते हैं या फिर आप जब जीरा हींग डालें तब भी आप ये सूखी लाल मिर्च तेज़पत्ता डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ सूखी लाल मिर्च का ही यूज़ किया है। अब हमारा बनाया हुआ मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे कटोरी धोकर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें मसाले को तब तक भूनना है जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ देता। आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भून गया है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। मैंने मसाला लो फ्लेम पर भूनना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मटर के दाने। मैंने फ्रेश मटर लिए हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। सब्जी को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं 1.5 कटोरी पानी डाल रही हूँ और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे ढककर पकाएंगे 3 मिनट तक। मैं गैस का फ्लेम मीडियम रखूंगी, मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 मिनट पकाएंगे। देखिए सब्जी को पकते पकते 3 मिनट हो गए हैं। अब हम वापस से इसे चेक कर लेते हैं। मटर जो है वो हल्के से टाइट है, पर अब हमें इसे आलू के साथ भी पकाना है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच किचन किंग मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। किचन किंग की जगह आप छोले मसाला भी ले सकते हैं या बिना इसके भी बना सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है। मैंने लंबी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे हम और पकाएंगे ताकि सब्जी जो है हमारी अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, अगर आप लाइक शेयर मेरे वीडियो को करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और मेरे चैनल को भी बहुत सपोर्ट मिलता है। आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही हौसला मिलता है। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे साथ इसी तरह बने रहें। तो फ्रेंड, ये सब्जी को पकते पकते 4 से 5 मिनट हो गए हैं। सब्जी जो है हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसके अंदर हरा धनिया, कसूरी मेथी कुछ भी डाल सकते हैं। गैस को बंद कर देंगे, इसे एक सर्विंग बाउल में परोस लेंगे। मैंने धनिया पत्ते से इसे गार्निश किया है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसे आप पूड़ी, चपाती, राइस जैसे चाहे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी यह टेस्टी सी आलू मटर की सब्जी कैसी बनी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।